हाय गाइस, मैं हूँ दीपिका कक्कर इब्राहिम एंड वेलकम टू दीपिका की दुनिया। सो आज मैं अपने बालों के लिए मेहंदी भिगोने वाली हूँ एंड मुझे याद आया कि आप में से कई लोग पूछते रहते हैं कि मैं मेहंदी कैसे भिगोती हूँ, मैं कितनी बार लगाती हूँ एंड अ लॉट मोर क्वेश्चंस। तो मैंने सोचा कि आज आपके साथ वो शेयर किया जाए। सो आज का वीडियो इज ऑल अबाउट मैं अपने बालों की मेहंदी कैसे भिगोती हूँ, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, उसका कैसे केयर करना चाहिए, आफ्टर केयर करना चाहिए ताकि आपके बालों को और बहुत ज्यादा उससे बेनिफिट मिले। सो चलिए जल्दी से मेहंदी भिगोना शुरू करते हैं। लेकिन अब मैं मेहंदी आज भिगोऊंगी। मैं तो ना, लोग कहते हैं कि ओवरनाइट छोड़ दो, लेकिन हमारी नाइट ही रात को 2-3 बजे होती है, हम उससे पहले तो सोते नहीं है, तो इसीलिए मैं नेक्स्ट पूरा डे उसको छोड़ देती हूँ और फिर मैं लगाती हूँ। तो अब कल तो मैं लगाऊंगी नहीं, तो इसीलिए हॉट ऑयल मसाज मैं अपने बालों में करने वाली हूँ, जो बहुत जरूरी है, आप लोगों को भी करनी चाहिए। हर अल्टरनेट नाइट लगा लो, क्योंकि हॉट ऑयल मसाज आपके बालों के लिए इतनी ज्यादा फायदेमंद होती है, स्पेशली विंटर्स में इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए पहले मेरा ऑयल मसाज करते हैं, उसके बाद मेहंदी भिगोते। सो आप सबको पता है कि मैं हर बार या तो 3-4 ऑयल मिक्स करके लगाती हूँ, मैं एक अकेला ऑयल बहुत कम लगाती हूँ, या फिर मैं अपने ही ऑयल्स बना के लगाती हूँ। तो आज भी मैं 4 ऑयल्स का एक किट यूज कर रही हूँ, जो एक साथ यूज करेंगे तो मैक्सिमम बेनिफिट्स मिलेंगे हमारे हेयर को, और वो है ये। सो गाइस, आज मैं यूज कर रही हूँ रे नेचुरल्स का, ये एक बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही बेनिफिशियल हेयर केयर किट, हेयर ऑयलिंग किट। सो इसमें सबसे पहला जो ऑयल मैं यूज करूंगी वो है कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल हम सबको पता है कितना बेनिफिशियल होता है, जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं बता दूं कि ये आपके स्कैल्प को ये देखो कर रही कैसे मतलब। सो कैस्टर ऑयल आपके स्कैल्प को नरिश करने के लिए, आपके बालों की थिकनेस बढ़ाने के लिए और आपके हेयर फॉल को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल माना जाता है। सो मैं डाल रही हूँ कैस्टर ऑयल। अब मुझे कैस्टर ऑयल थोड़ा ज्यादा चाहिए, तो मैं कैस्टर ऑयल लूंगी 2 चम्मच। अगर आपको कम स्टिकी चाहिए तो आप 1 चम्मच कैस्टर ऑयल यूज कर सकते हैं। एंड अब मैं इसमें मिक्स करूंगी कोकोनट ऑयल, क्योंकि कैस्टर ऑयल जो है ना वो नीचे में बहुत थिक होता है, बहुत स्टिकी होता है, तो उसको बैलेंस आउट करने के लिए हमको एक कैरियर ऑयल की जरूरत है। एंड कोकोनट ऑयल इज वन ऑफ द बेस्ट कैरियर ऑयल्स, बिकॉज इट इज फर्स्टली इट इज वेरी लाइट, सेकेंडली वो आपके बालों को बहुत नरिश करता है, उसकी अपने आप में काफी क्वालिटीज है एंड इट लीव्स योर हेयर वेरी स्मूद एंड शाइनी। तो ये भी मैं डालूंगी 1 और 2 चम्मच। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे पहले, और अब इसमें हम डालेंगे पहले 1 ड्रॉप ऑफ टी ट्री एसेंशियल ऑयल। सो टी ट्री ऑयल आपके स्कैल्प की हेल्थ मेंटेन करने के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। यू नो, विंटर्स में भी हमें बहुत ज्यादा डैंड्रफ होता है, दैट इज बिकॉज बेसिकली वी हैव एन ऑयली स्कैल्प और वो इसीलिए डैंड्रफ हो जाता है। सो उसे ट्रीट करने के लिए ये 1 ड्रॉप, उसे ट्रीट करने के लिए टी ट्री ऑयल इज वेरी बेनिफिशियल, क्योंकि ये जो आपके स्कैल्प का ऑयल सिक्रीशन है उसे बैलेंस आउट करता है। एंड नाउ आई विल एड 1 ड्रॉप ऑफ रोजमेरी एसेंशियल ऑयल। रोजमेरी आपके बालों को शाइनी और सॉफ्ट और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बहुत फायदेमंद है, सो ये भी 1 ड्रॉप। एंड साथ ही अगर आपके यू नो स्कैल्प में कोई इरिटेशन है, कुछ इचिंग हो रही है, रैशेस हुए हैं, उसके लिए भी रोजमेरी ऑयल रियली हेल्प्स अलॉट एंड इट ट्रीट्स योर डैमेज्ड हेयर। सो ये हमने 1-1 ड्रॉप ऐड कर दिया, अब हम इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैं इसको 10 सेकेंड्स के लिए अपने माइक्रोवेव में गर्म करके लाई हूँ, क्योंकि जैसा मैंने आपको बोला मुझे थोड़ी सी हॉट ऑयल मसाज करनी है। एक्चुअली इट इज वार्म ऑयल मसाज, इट्स नॉट इवन हॉट। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लगा सकते हो, बट यू नो विंटर्स में थोड़ी सी वार्म ऑयल मसाज इज वेरी वेरी गुड फॉर योर हेयर। सो इसे मैं अच्छे से अपने स्कैल्प पे लगाऊंगी और मैं अच्छे से मसाज करूंगी, और जैसा मैंने आपको पहले बोला विंटर्स में ऑयलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो प्लीज अच्छे से ऑयलिंग कीजिए, स्कैल्प से लेके बालों के एंड्स तक, वेरी इंपॉर्टेंट। hmm.
सो ये मैंने अपनी ऑयलिंग कंप्लीट कर ली है और मुझे तो रे नेचुरल्स का ये पूरा किट बहुत अच्छा लगा। इनके ऑयल्स जो है ना वो 100% प्योर है, ऑल्सो बिकॉज ये छोटे बैचेस में बनाए जाते हैं, सो दे आर मोर एंड मोर एफिशिएंट एंड दे आर कोल्ड प्रेस्ड। कोल्ड प्रेस्ड का मतलब ये होता है कि इनका जो ऑयल एक्सट्रैक्ट करने में प्रोडक्ट को सिर्फ प्रेस किया जाता है, उसे हीट नहीं किया जाता, तो इसीलिए ये और ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं। तो मेरी तो ऑयलिंग हो गई, आप लोग भी जरूर ये प्रोडक्ट्स ट्राई कीजिएगा और ऑयलिंग जरूर कीजिएगा, बहुत जरूरी है। अब जल्दी से हम लोग मेहंदी भिगो। चलिए अब मेहंदी भिगोते हैं। यू नो मेहंदी को लेके ना सबके अलग अलग ओपिनियंस होते हैं। कुछ लोग, बहुत लोगों ने मुझे कहा है कि आप मेहंदी लगा रहे हो आपके बाल खराब हो जाएंगे, मत लगाओ, टेम्प्रेरी फायदा है पर लॉन्ग टर्म में खराब हो जाते हैं। लेकिन ट्रस्ट मी, मैं मेहंदी अब करीबन आई थिंक 6-7 साल या 8 साल से लगा रही हूँ एंड मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ है, बस मुझे फायदा ही हुआ है। तो हो सकता है कुछ लोगों को सूट ना भी करता हो, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि हर चीज किसी को सूट करती है किसी को नहीं करती है, तो वो आपको देखने की जरूरत है। एंड हाँ, लेकिन एक बात मैं जरूर बोलूंगी कि जब आप मेहंदी लगाते हो आपके बाल हल्के से ड्राई जरूर होते हैं, तो उसका आफ्टर केयर बहुत ज्यादा एसेंशियल है, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले चलिए मैं आपको बताती हूँ कि मेहंदी मैं कैसे भिगोती हूँ, उसके बाद ये बातें जैसे जैसे मुझे याद आती जाएंगी मैं और आपको टिप्स देती जाऊंगी। So, ये मैंने बोल में ली है 200 ग्राम्स ऑफ मेहंदी। आप कोई भी मेहंदी ले सकते हो, मार्केट में कई सारी मेहंदी आती हैं जिनमें कुछ इंग्रेडिएंट्स ऑलरेडी मिक्स्ड होते हैं, आप वो भी ले सकते हो। लेकिन अगर आप वो ले रहे हो तो भी ये सब ऐड करना, क्योंकि मैं वो भी कर चुकी हूँ, और अगर आप नॉर्मल मेहंदी ले रहे हो तो आपको ऐड करना ही है। इसमें मैं ऐड करूंगी सबसे पहले ये है 2 चम्मच अरीठा पाउडर। ये से स्टोन इसलिए लग रहा है क्योंकि अरीठा जम जाता है। ये है 3 चम्मच शिकाकाई पाउडर और ये है 3 चम्मच आमला पाउडर और इसमें मैंने लिया है 3 egg yellow। ये सिर्फ एग येलो है, इसमें व्हाइट हम बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। और ये है थोड़ा सा कॉफी पाउडर एंड ये यहां पे है चाय पत्ती का पानी। इससे ही हम अपनी मेहंदी भिगोएंगे, हम नॉर्मल पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। और अगर आपको हल्का सा बर्गंडी इफेक्ट चाहिए जो बहुत खूबसूरत लगता है, तो आप इसी पानी में एक पूरा बीटरूट कट करके डालिएगा और उसको काफी देर तक बॉईल होने दीजिएगा और उस पानी को डालिएगा, बहुत सुंदर कलर आता है। तो पहले हम सारे ड्राई इंग्रीडियंट्स मिक्स कर लेते हैं ना। सो ये सब कुछ मैं इसमें डाल दूंगी। कॉफी लगभग 1 छोटा चम्मच ही डालनी है आपको, उससे ज्यादा जरूरत नहीं है। अब ये सब पहले मिक्स कर लेंगे। अब एग, अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालिएगा क्योंकि ज्यादा पतला भी नहीं करना है कि आप लगाओ तो वो ड्रिप करे। और ये थोड़ा पेशेंस का काम है क्योंकि आपको अच्छे से ये मेहंदी जो है घोलनी होती है, प्लस जो अरीठा मैंने आपको दिखाया वो भी आपको पूरा ऐसे ऐसे करके अच्छे से मिक्स करना है। सो ये देखिए, ये जो है मैंने इतनी थिकनेस में इसको रखा है बिकॉज अभी मैं इसको छोड़ूंगी एक पूरी रात। और ये जो इतनी गिठाने दिख रही है ना, दैट इज ओके बिकॉज कल जब हम इसको एक पूरा दिन रखने के बाद जब इसको निकालेंगे, हम फिर से इसको थोड़ा सा फेटेंगे तो ये और ज्यादा सूद आउट होती है। सो मैं हमेशा क्या करती हूँ कि अब जैसे मैंने आज इसको रख दिया, अब कल जब मैं इसको लगाने वाली होंगी तो मैं फिर से थोड़ा सा चाय का पानी रेडी करके रखती हूँ कि जस्ट इन केस अगर मुझे इसे थोड़ा और पतला करना है ताकि इवनली लग पाए, तो मैं इसे उस वक्त पतला कर लेती हूँ। अब इसे आप एक दिन रख के या तो तुरंत लगा सकते हैं। अगर ज्यादा हो गई है, आपको लगता है आपको और स्टोर करना है, तो आप इसको एक एयरटाइट कंटेनर में डाल के, ताकि आपके फ्रिज में बदबू ना फैले, आप इसे अपने फ्रिज में भी रख सकते हैं। तो आप इसे 10 से 15 दिन आराम से स्टोर करके लगा सकते हैं। मैं वो भी कर चुकी हूँ, उसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। सिर्फ जब आपको लगानी होगी तो आप 5-6 घंटे पहले इसे फ्रिज से बाहर निकाल लेना, क्योंकि मेहंदी की तासीर वैसे ही ठंडी होती है,
प्लस आप उसे ठंडी लगाएंगे तो आप बीमार ना पड़ जाएं, वो हम बिल्कुल भी नहीं चाहते। सो इसीलिए इस तरीके से आप इसको लगाएंगे। सो मेहंदी एप्लीकेशन के लिए आप इसे पूरा स्कैल्प से लेके अपने बालों के टिप्स तक लगाएं और उसे रोल करते जाएं अपने ऊपर। मैं कोशिश करूंगी कि जिस दिन मैं मेहंदी लगा रही हूँ उस दिन भी मैं कोई ब्लॉग बना लूँ ताकि उसकी झलक आपको उसमें दिख जाए। एंड फिर हाँ, उसके बाद जैसा कि मैंने आपको कहा, उसका आफ्टर केयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप मैं जैसे 2 से 3 घंटे मेहंदी अपने सर पर रखती हूँ, किसी चीज़ से कवर कर लेती हूँ, क्योंकि अगर मेहंदी सूख जाती है आपके बालों पे और उसके बाद जब आप वॉश करते हो तो आपके बाल टूट सकते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप जब मेहंदी लगाओ उसके बाद अपने बालों को प्लास्टिक से या फॉइल से या किसी भी सेलोफेन रैप से कवर कर लो ताकि वो सूखे ना। उसके 2-3 घंटे बाद आप उसे सिर्फ वाटर रिंस करेंगे, शैम्पू नहीं करेंगे, अपने बालों को ड्राई कर लेंगे एंड अच्छे से अपने बालों में ऑयल लगाएंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, अदरवाइज आपको मेहंदी का बेनिफिट बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। सो ऑयलिंग आफ्टर हेना एप्लीकेशन, आफ्टर मेहंदी एप्लीकेशन इज कंपल्सरी, बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड बस उसके बाद फिर ये आप अपना ओवरनाइट आप ऑयल रखें, उसके बाद नेक्स्ट डे आप शैम्पू करें एंड कंडीशन करें। मैं हमेशा अपने हर वीडियो में बोलती हूँ कि आपके बालों की हेल्थ के लिए कंडीशनर बहुत ज्यादा जरूरी है। कई लोग बोलते हैं कंडीशनर इज एडेड केमिकल्स, इट स्पॉइल्स योर हेयर। नो इट डजंट, इट इज वेरी, मतलब जितना एसेंशियल आपकी बॉडी पे सोप है उतना ही एसेंशियल आपके बालों में शैम्पू के बाद कंडीशनर है, तो वो जरूर लगाएं, उसे बिल्कुल भी स्किप ना करें। सो मुझे मेहंदी से इंट्रोड्यूस करने वाली है फलक, जो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, आप सब लोग जानते होंगे उसको। सो उसने मुझे बताया था कि दिप्पी एक बार बालों में मेहंदी ट्राई कर और तुझे बहुत पसंद आएगी, और मुझे जेन्युइनली बहुत पसंद आई है। अब मुझे ना इसका वो जो ब्राउनिश रेडिश टिंज आता है मुझे वो बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए मैं अपने लिए या तो स्टील में भिगोती हूँ या मैं ग्लास बोल में भिगोती हूँ, क्योंकि मुझे वो कलर चाहिए। अगर आपको ब्लैकिश चाहिए तो आप लोहे की कढ़ाई भी आती है, आप उसमें भिगोइएगा तो आपके बालों में रेडिश टिंज नहीं आएगा, वो ब्लैक हो जाती है। और अगर आपको बर्गंडी कलर चाहिए तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि आप चाय पत्ती की जगह बीटरूट के पानी में इसे भिगोइएगा। मैं यूजुअली 1 चम्मच चाय पत्ती एंड 1 पूरा बीटरूट जो है काट के डाल देती हूँ, और उसमें मैं पानी को बॉइल होने देती हूँ, उससे भी बहुत खूबसूरत कलर आता है। सो मेरे बालों में मेनली इससे शाइन आती है, बाल बहुत हेल्दी लगने लगते हैं, एक वॉल्यूम आ जाती है बालों में, बाउंस बहुत अच्छा आता है, एंड डैमेज बाल जो हैं वो काफी हद तक रिपेयर हो जाते हैं मेहंदी एप्लीकेशन से, फॉलोड बाय ऑयलिंग, फॉलोड बाय शैम्पू एंड कंडीशनर। वेरी इंपॉर्टेंट, अकेले आप मेहंदी लगाएंगे बेनिफिट नहीं होगा, बाल बहुत रूखे हो जाएंगे। इसके बाद ऑयलिंग और कोई भी ऑयल जो आपको अच्छा लगे, ऑयलिंग, उसके बाद शैम्पू, कंडीशनर, वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक मैंने मेहंदी के बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। सो आई रियली होप आपको कुछ मदद मिली हो और आपको अच्छा लगे। प्लीज इसे ट्राई कीजिएगा, बिकॉज एक बार ट्राई कर लीजिए, अगर आपको लगता है आपके बालों को ना सूट करे तो मत लगाइएगा, अगर सूट कर गई तो नेचुरल कलरिंग ऑफ योर हेयर। सो या गाइज, दैट्स अबाउट इट। आई रियली होप आपको ये बेनिफिशियल लगा हो वीडियो, और आपको अगर मेरी मेहंदी आपको अच्छी लगी हो सो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे खूब सारा शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। लव यू ऑल।